लूणी विधायक महेंद्र विश्नोई ने मंगलवार को झंवर अस्पताल का किया निरीक्षण, साथ ही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली। आपको बता दें कि ऑपरेशन थिएटर जो कि अभी बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 2 सीजीरियन केस सफलतापूर्वक करवाए गए हैं। आज प्रसूताओं को अस्पताल से डिस्चार्ज कर सम्मान के साथ घर भेजा गया। वहीं लूणी विधायक महेंद्र विश्नोई ने डॉक्टर महेंद्र प्रकाश सोनी का आभार जताया, साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर सिजेरियन के सफल होने पर लोगों को मिलने वाली सुविधाएं शहर की तरफ नहीं भटकना पड़ेगा, ऐसे में हर सुविधा यहीं उपलब्ध रहती है। साथ ही लूणी विधायक विश्नोई ने अस्पताल में निरीक्षण के दौरान मरीजों से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जवर अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र सोनी को साफा व माला पहनाकर सम्मानित किया, साथ ही उनके साथी डॉक्टर व नर्सिंग कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। ग्रामीणों ने अस्पताल में ब्लड बैंक की मांग की और विधायक को बताया कि लूणी संभाग में एक भी ब्लड बैंक नहीं है। जब जवर में ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है, प्रसूता को खून की कमी होती है तो ब्लड बैंक की व्यवस्था यहां पर की जाए तो उनको खून के लिए भी जोधपुर शहर की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। विधायक ने आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द ब्लड बैंक की सुविधा और 108 एम्बुलेंस की सुविधा जवर में उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अस्पताल में ग्रामीणों ने सैटेलाइट में क्रमोन्नत करने की मांग की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताया। इस दौरान चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के साथ कई गणमान्य उपस्थित रहे। दूसरी सिजेरियन से डिलीवरी हुई है, पहले भी हुई थी, पहले फिर डॉक्टर एमपी सोनी के इन्होंने और डॉक्टर मोहनदास देता जी ने यहाँ पे चालू किया। यहाँ पे जवर के अंदर सिजेरियन पहले हुआ नहीं करता था, सिजेरियन होने लग गई डिलीवरी, और जो भी यहाँ पे सुविधाएं थी उसमें सुविधाओं में इन्होंने काम किया, अच्छा काम किया। और यहाँ पे जो आज इनको डिस्चार्ज किया गया, तो इनको मैं भी इनको इनके साथ में शरीक हुआ और इनको डिस्चार्ज किया। अस्पताल की कमी तो वैसे विशेष नहीं है। अभी जैसे हमारे विधायक कोष से हमें हॉस्पिटल के अंदर देने के लिए करीब अनुशंसा करनी है एमएलए लैंड की, तो उसमें जो इनको समस्याएं, जो इनको तकलीफ है, जो यानी जो सामान कम है, उनको हम पूरा जो हमारा एमएलए लैंड है उससे पूरा करने की कोशिश करेंगे। लूणी संभाग में जो ब्लड बैंक की अभी समस्या है। हाँ, ब्लड बैंक का आज समस्या नहीं है। ब्लड बैंक जैसे यहाँ पे ब्लड की ज़रूरत थी तो हमने बात की थी, उम्मीद हॉस्पिटल ब्लड बैंक से आ गया, और जो यहाँ पे अभी मेरे को आज ही जानकारी लगी ब्लड बैंक की हमें ज़रूरत है, तो हमें इसको आज ही आगे कार्रवाई के लिए जो मेरे को लेटर दे देंगे उसको मैं आगे कार्रवाई के लिए लिखता हूँ। 5 तारीख को यहाँ सिजरीन द्वारा महिला का प्रसव कराया गया जिसमें उसके लड़का हुआ था। 4 दिन के पश्चात आज उसकी तबीयत अच्छी है, बच्चा भी स्वस्थ है। आज एमएलए साहब पधारे यहाँ पे और उस मरीज़ को आज डिस्चार्ज करना था, तो हमारे एमएलए साहब के द्वारा डिस्चार्ज करवाया गया। मरीज़ और बच्चा दोनों स्वस्थ है। भविष्य में हम लोग और भी ऑपरेशन वगैरह करना चाहेंगे। यहाँ पे हमारे ब्लॉक में एक टीम गठित की गई है, ब्लॉक सी एम एच ओ डॉक्टर मोहनदास चारण के द्वारा, उसमें सर्जन, महिला चिकित्सक, पीडियाट्रिशियन एवं एनेस्थेटिस्ट इनको रखा गया है। इस टीम के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करने का प्रयास करेंगे आगे भी। यहाँ पे ब्लड की सुविधा जोधपुर से मंगा करके आज तक करीब 100 ब्लड लगवाए गए हैं मरीजों को। इसमें ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं जिनमें खून की कमी थी, या जो महिलाएं गर्भ के पश्चात, डिलीवरी के पश्चात खून की कमी से ग्रस्त पाई गई, उनको ब्लड चढ़वाया गया। तो यहाँ एमएलए साहब से रिक्वेस्ट की गई कि आप यहाँ ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना करवाएं, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी अच्छी सुविधा मिलेगी। एमएलए साहब ने इसके लिए स्वीकृति प्रदान की है, आगे बात करने के लिए कहा है। इस लूणी ब्लॉक के अंदर पूर्व में भी मैंने सालावास सीएससी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लूणी में ऑपरेशन करवाए थे। ये नया सेंटर मैंने चालू करवाया। इसमें 2 महीने पहले एक सीजरीन द्वारा प्रसव कराया गया। कोविड-19 के केसेस निकलने के बाद में इसको 2 महीने तक बंद रखा गया। कोविड की गाइडलाइन के अनुसार हमने
स्वीकृति के पश्चात कोविड नेगेटिव पेशेंट को सेलेक्ट करके यहाँ सीजरियन करवाया और वो स्वस्थ एवं बच्चा भी स्वस्थ आज डिस्चार्ज किया गया उनको।